सो हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मौसम बहुत अच्छा है, सो हमने प्लान बनाया है अपने कुछ दोस्तों के साथ नैमिषारण्य जाने का। तो अभी आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे और दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए आप लोग। भाई मैं मिल चुके हैं अपने घर के बाहर, निसर भाई को ले लिया है। अब आगे कुछ दोस्त और मिलेंगे, उन सबको लेकर साथ में जाएंगे, फिर आपको पूरा दिखाएंगे। बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। आज दोस्तों से मिल चुके हैं, अब जाएंगे नैमिष, आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। नैमिषारण्य द्वार में प्रवेश कर चुके हैं, चक्रकुंड आ चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र यहाँ पर गिराया था, तभी ये पूरे संसार का मध्य भाग है। भगवान विष्णु ने यहाँ सुदर्शन चक्र गिराया था, तब से यहाँ पे पाताल लोक से अपने आप स्वतः ही पानी आता रहता है। ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं कि ये चक्रकुंड कभी आज तक सूखा ही नहीं है, हमेशा पाताल लोक पानी आता रहता है। चक्र तीर्थ से अब हम लोग सभी लोग नहाने जाएंगे, इसके बाद दर्शन करने जाएंगे। गोमती नदी पहुंच चुके हैं, यहाँ पर अब हम लोग स्नान करेंगे, इसका दर्शन करने जाएंगे। अरे क्या मन पकड़ दीजिए। देवी मंदिर हो आए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, हनुमान जी के दर्शन करेंगे। देव देवेश्वर धाम मंदिर, महादेव मंदिर। जोर लगा के आगे ले। किसी मल्ला है का बेटा जब नाव चलाता है, कैसे तुम्हारा जाए उनका देव।
देव देवसर मंदिर के बाद अब हम लोग रुद्रावत मंदिर आ चुके हैं। यहाँ पर गोमती नदी में ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि प्रसाद जो भी आप लाते हैं, बेलपत्र फूल पत्ते डालते हैं, बेलपत्र आपका ये तो है।